आज हम 18 ग्रनेडियस के गौरवशाली इतिहास का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं टाइगर हिल पर विजय के सिल्वर डूबरी के उपलक्ष्य में मैं यूनिट के सभी राय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अठारह ग्रेनेडियस एक ख्याति प्रहत यूनिट है जिसने कारगिल युद्ध के अलावा ऑपरेशन पवन ऑपरेशन विजय ऑपरेशन खोखरी और ऑपरेशन स्ले स्नो लेपर्ड जैसे कई सफल ऑपरेशंस में अपना अमिट योगदान दिया है आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं जब हम 25 साल पहले हमारे बहादुर जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं अठारह ग्रेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चो, चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई अठारह ग्रेनेडियर्स के वर्तमान पीढ़ी के अधिकारी और जवान इस विरासत के निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से भले ही योगदान उनका ना रहा हो परंतु आज सब आप इस धरोहर के भागीदारी हैं हमारे पूर्व काल के लोगों ने अर्थात के हमारे जो वेटन्स हैं आपकी यूनिट के के द्वारा सेना में सभी क्षेत्रों में सतर्क भूमिका निभाई और उन्होंने जो है निस्र्थ कर्तव्य से अपना योगदान दिया है आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन यूनिट के शूरवीरों के बलिदान को भी याद करना चाहता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे अठारह गेडेस की तरह मीन्स अगर हम इसे बड़े रूप में देखें तो हमारी सशस्त्र सेनाओं की जो है भारतवर्ष में आम नागरिकों के बीच में बहुत ही आ, सम्मान है और वो हमें बड़े आदर से देखते हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो स्नेह और प्रेम की प्रति भी है देश के नागरिकों को हमारी क्षमता पे भरोसा है और उसी कारण जो है हमारी एक अपार इज्जत है जैसे मैंने आपकी एक धरोहर के बारे में बताया था जो आपको विरासत के रूप में मिली है वही जो है सारे आ, सेनाओं को जो है एक तरह से जो धरोहर मिली है वो जो है पूर्वजों ने कमाई है हो सकता है कि उसमें हमारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ना रहा हो लेकिन हम उसके फल जो है हम भोग रहे हैं तो उसके कारण जो है हमारा एक बहुत बड़ा मिशन बनता है जब हम उसका फल भोग रहे हैं जिसके ऊपर हमने जो है कंट्रीब्यूशन हमारा पूरा ना रहा हो ये व्यक्तिगत रूप से भी है और सामूहिक रूप से भी है व्यक्तिगत रूप से आप कोई गलत काम नहीं कर सकते अठारह गएडीएस के जवान स्पेशली क्योंकि जो है आपका जो इतिहास इस प्रकार का है मैं ये एग्जाम्पल अपनी रेजिमेंट में भी देता हूँ हमारी रेजिमेंट इलेवन गोरखाज की है जहाँ से दो सी डी एस हुए हमारी रेजिमेंट में मैं कहता हूँ आप गलती नहीं कर सकते जवानों को और वैसे ही सामूहिक रूप से जो है आप लोग जिस भरोसे ने आप देश ने आपके ऊपर भरोसा रखा है उसको आप कम नहीं कर सकते तो आपको अपने प्रशिक्षण अपने कामकाज इन सब को जो है बहुत बेहतर बनाना होगा मुझे जवानों से बात करने का कम ही अवसर मिलता है तो लेकिन आज ये अवसर मुझे मिला है तो मैं गेडेस के बड़े परिवार या इन्फेंट्री या सेना के लिए जो है आपके थ्रू कोई एक मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे लिए भविष्य के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है हम लोग एक परिवर्तन के युग से गुजर रहे हैं आज के इस युग में युद्ध का जो स्वरूप है वो बहुत तेजी से बदल रहा है इसलिए हमें इस परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इसे हम चेंज कहते हैं इनफैक्ट ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है अगर आप महाभारत में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ बताया था कि परिवर्तन ही शाश्वत है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है पर परिवर्तन ही एक माई एकमात्र स्थिर चीज है इस दुनिया में और एक ग्रीक फिलोसोफर हेराक्ल्यूटिस ने कहा था अंग्रेजी में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ तो इस परिवर्तन से हम दूर नहीं रह सकते इनफैक्ट एक और साइंटिस्ट थे चार्ल्स डाविन जिन्होंने एक थ्योरी ऑफ रेवल्यूशन लिखी थी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में उन्होंने लिखा था और उसकी कंसेप्ट को जब उन्होंने प्रतिपदित किया था मतलब रेंडर्ड किया था तो उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में है मैं बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा इनहेरिटेंस वेरिएशन अडाप्टेशन सिलेक्शन टाइमिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्पीसीज टू सरवाइव इसका मतलब ये हुआ के विरासत जो आपको मिली है परिवर्तन अनुकूलन चयन और समय किसी भी परिजाति के अस्तित्व को बताने के लिए बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये जो रूल या परसेप्ट बनाया गया है ये परिजाति के लिए ही नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशनों संगठनों के लिए भी है अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो वो परिजाति लुप्त हो जाती है एक्सटिंक्ट हो जाती है और उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन जो हैं अगर चेंज नहीं करेंगे अपने अतीत में ही रहेंगे तो वो भी एक तरह से फेल हो जाएंगे तकनीक या टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास होने के कारण युद्ध का स्वरूप दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बदल रहा है अतीत में पाया गया था कि शौर्य हमारे मोटिवेशन का एक अहम स्रोत होता है लड़ाई जीतने के लिए लेकिन भविष्य के युद्ध में कि चुनौतियों का सामना करने के लिए शौर्य मात्र ही प्राप्त नहीं हुआ हमें जो है लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इमेजिनेटिव होना पड़ेगा अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा पहले के टैक्टिक्स और युद्ध कला जो है काफ़ी समय तक स्थायी रहते थे मतलब जब हमारे पास में आ, मैं छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ जब आ, हमारे पास थ्री नॉट थ्री राइफल थी तो काफ़ी सालों तक रही जो लाइफ साइकिल जो था सेवन पॉइंट सिक्स टू का कम था और इंसास का जो है उससे भी कम जल्दी जल्दी बदली होता है तो एक मे भी उतना सही उदाहरण नहीं है लेकिन हर एक चीज़ जो है आजकल कम समय के लिए रहती है तो वैसे ही वो टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी वगैरह भी जो है बिकॉज बदलाव जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है आज हम मल्टी uh, डोमेन तरीके से लड़ने की बात कर रहे हैं जिसमें हम uh, जो पुरानी से जल जल थल और नब लैंड सी मैराटाइम और एयर वफेयर की जगह साइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस जैसे नए डोमेन्स को एक साथ एकत्रित करके अपने सामूहिक रूप से जो है अपनी क्षमता का औजागर करना चाहते हैं युद्ध क्षेत्र में दायरा जो है युद्ध क्षेत्र का दायरा अब एक डोमेन के लिए सीमित नहीं रहा है कि सिर्फ जमीन पे अब मैंने आपसे शुरू में ये बात करी थी कि हमारे समाज का हमारे नागरिकों का जो है फ़ौज के ऊपर भरोसा है और एक इज्जत है हमारे लिए और एक स्नेह और प्रेम है यह प्रेम को अगर बरकरार करना है तो हमें बदलाव जो है लाना पड़ेगा क्योंकि हम फेल नहीं हो सकते युद्ध के लिए किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से किसी भी चीज़ में कॉम्पिटिशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन हो सकती है लेकिन युद्ध में जो है एक ही चीज़ है या तो जीत होगी या हार होगी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विनर टेक्स ऑल इसमें कोई सेकेंड अप रनर अप नहीं होता लड़ाई के अंदर तो वो भरोसे को कामयाब करने के लिए आप लोग को भी इस नई चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा इसे अडेप्ट करना पड़ेगा और ये एक मुख्य कारण है जिसके कारण जो है ये सी का जो पद भी जो है आ, सरकार ने दिया है और ये एक रिफॉर्म्स की प्रतिक्रिया है जो कि हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं So, हम एक पेशेवर सेना और महाशक्ति जो कि हम बनना चाहते हैं भारत इस तरह का हमारा ख्वाहिश है तो ये तभी हो सकता है कि जब हम एक नई ऊर्जा से नई शक्ति से नई सोच से काम करें आप लोग हम लोग जो है पूरी यूनिट का, का जीवन एक यूनिट के रूप में काम करते हैं एकत्रित होकर के इनफैक्ट मेरा एक जो बैंडेट है तीनों सेनाओं के बीच में एकीकरण और संयुक्तिकरण है दैट मीन्स सारे लोग को मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए आप लोग का एक यूनिट के बारे में उदाहरण दूंगा जहां आप सब ऑफिसर जवान जैसे मिल कर के काम करते हैं यह हमारे एक शरीर की तरह कार्य करता है अगर किसी का शरीर का कोई भी अंग कमज़ोर हो जाता है तो उसका असर कहीं ना कहीं पूरी शारीरिक क्षमता पर नज़र आता है इसी तरह हमारी छवि व्यक्तिगत नहीं है वरना पूरे यूनिट की एक साथ है इसीलिए हमारे सैनिकों को अपने अधिकारियों की जिम्मेवारी और इनकी निष्ठा को समझना चाहिए साथ ही साथ अधिकारियों को जवानों की इच्छाएं और आकांक्षाओं का ख्याल रखना चाहिए अंत में एक बार फिर मैं 18 गन्डेस के गौरवशाली विरासत सम्मान और बलिदान के लिए कृतज्ञ रूप से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया मैं उन वीर नारियों और माताओं का भी नमन करता हूं जिनके सपूतों ने जो है अपना बलिदान दिया और इस विरासत को अठारह गणिडेस की और भारतीय सेना की परंपरा को बराकर कन, बरकरार रखने के लिए योगदान दिया है अंत में मैं यूनिट की भविष्य में सफलता की भरपूर कामनाएं करता हूं धन्यवाद और जय हिंद